निष्काम सेवा से प्रेरित होकर कृष्णा नगर के क्षेत्रवासियों ने अन्नपूर्णा रसोई का शुभारंभ किया, जिसके माध्यम से गरीब परिवार के लोगों तक भोजन पहुंचाने का काम अन्नपूर्णा रसोई की टीम कर रही है। अन्नपूर्णा रसोई की कार्यशैली के बारे में जानकारी देने के लिए आज विपिन वत्स हमारे स्टूडियो में मौजूद है। आप देख रहे हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लॉकडाउन के चलते बहुत से परिवार भूखे सो रहे हैं। उसी के चलते सरकार के भी निर्देश हैं कि कोई भूखा ना सोए, उसके तहत कई सामाजिक संस्थाएं और सरकार के द्वारा ये बार बार प्रयास किया जा रहा है कि कोई भी भूखा ना सोए। इसी के चलते आज मोदी नगर के किशन नगर कॉलोनी में अन्नपूर्णा रसोई के नाम से एक रसोई का आयोजन क्षेत्रवासियों ने, किशन नगर के क्षेत्रवासियों ने आयोजित किया है, जिसके तहत एक कोई भूखा ना सोए के तहत घर घर लोगों को खाना पहुंचाने का काम ये संस्था कर रही है। उसी कड़ी में आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है विपिन बक्सी, जो इस व्यवस्था को सुचारू रूप से चला रहे हैं। स्वागत है विपिन जी आपका। हमारे दर्शकों को विपिन जी बताएं कि आपकी जो रसोई स्टार्ट हुई है, अन्नपूर्णा रसोई स्टार्ट हुई है, उसमें किस किस तरीके से आप अपनी व्यवस्था देख रहे हैं। देखिए, अन्नपूर्णा रसोई हमने जो स्टार्ट करी है जी, थोड़ा तेज बोलिएगा, वो हमने निष्काम रसोई मोदी नगर में शुरू हुई थी, उससे प्रेरणा लेकर हमने अन्नपूर्णा रसोई शुरू करी है। और हम सब इसमें मिलकर, पूरे कृष्णा नगर वासी मिलकर इसमें सब सहयोग कर रहे हैं। ये नहीं है कि जिसका जो काम कर पा रहा हो वो कर रहा है, और हम सब मिलकर कर रहे हैं। अच्छा, कहाँ कहाँ तक आप भोजन पहुँचा रहे हैं? भोजन हमारा फफराना रोड, सिकेड़ा रोड, कैलाश कॉलोनी, मतलब अपना 5 नंबर पूरा वार्ड, चुन्ना भट्टी, और एक दो दिन बीच में सीकरी गांव में भी पहुँचाया। तो लगभग कितने पैकेट आप भोजन पहुँचा रहे हैं? लगभग हमारे दोनों टाइम में 350 से 400 पैकेट तक, 400 पैकेट दिन में और 400 पैकेट शाम में हमारे हो रहे। तो विपिन, इसके लिए जो फंड की व्यवस्था आप कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं? फंड हम सब वार्डवासी मिलकर ही कर रहे हैं, बाकी हमारे पास कहीं से कोई मदद नहीं है, ना सरकारी और ना कोई जनप्रतिनिधि की कोई मदद है। क्या अपने मोदी नगर क्षेत्र के विधायक, चेयरमैन वगैरह भी आपको कुछ सपोर्ट कर रहे हैं? तो सुन, नहीं, वो तो मतलब हमारे साथ जैसे एक दुख में खड़े हो जाते हैं किसी के साथ, वो हमारे ना तन मन धन किसी भी तरीके से वो हमारे साथ नहीं है। क्या आपने उनको ये सूचना दी कि आप ये रसोई जनहित में स्टार्ट करना चाह रहे हैं? उन्हें सूचना भी दी, और वो हमारी गली में एक दिन विधायक जी ने कुछ सामान भी भिजवाया 4-5 लोगों के लिए, थोड़ा थोड़ा सामान। उस दिन से पहले कोई मदद नहीं करी उन्होंने, उस दिन के बाद कोई मदद नहीं करी। तो उस दिन कितने विधायक ने कितने लोगों को राशन दिया है? लगभग 6 लोगों को, 1 पाव आधे किलो के करीब दाल और थोड़े थोड़े आटा, ये उन्होंने भिजवाया, छोटे छोटे पैकेट बनवा रहे। उनकी जो पीए है, मीनाक्षी जी है, क्या नाम उनका, वो आई और लेकर चली। कितने मेंबर्स अभी इस समय सक्रिय हैं जो आपके पूरे ग्रुप में जो सेवा भाव से वहाँ लगे हुए हैं और फील्ड में भी गलत खाना पहुँचा रहे हैं? कम से कम हम 20 जने हैं इस टाइम, क्योंकि अकेला तो कोई नहीं कर सकता, बहुत कुछ देखना पड़ता है। और अभी हमने कल से रोटियों का चालू करा, क्योंकि पूरी भी आदमी कब तक खाया, रोज पूरी, तो हम सब मिल के अपना रोटी भी सेक रहे हैं, घर पे तो कभी नहीं सेकी पर यहाँ सेक रहे हैं, ताकि कोई भूखा ना सोए। जनता से कुछ आप अपील करना चाहेंगे? जनता से मैं इतनी अपील करूंगा कि हमने मतलब ये महसूस करके देखा इस रसोई को शुरू करने के बाद कि पड़ोसी को अपने पड़ोसी का बहुत अच्छे तरीके से पता होता है कि इनकी क्या स्थिति है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से इतना तो जनता से कहूंगा कि अगर कहीं भी
किसी पड़ोसी को कोई दिक्कत है और वो बताने में शर्म महसूस कर रहा है, झिझक रहा है, तो उनकी पहचान गुप्त रखी जाएगी और हम नंबर बता देंगे। मेरा नंबर है 9012000029। इस नंबर पर कॉल करके वो हमें बता सकते हैं, हम वहाँ खाना उनके लिए आराम से पहुँचाएंगे। लेकिन कोई भी भूखा नहीं सोना चाहिए, ज्यादा नहीं थोड़ा पहुंचेगा, लेकिन पहुंचेगा जरूर। धन्यवाद विपिन जी, जय स्टूडियो में आपके आकर आपने जो है निष्काम सेवा संस्थान के माध्यम से एक आपने पहल शुरू करी है अन्नपूर्णा रसोई की, ये वास्तव में तारीफ के काबिल है और हमारे चैनल की ओर से आपको और आपकी टीम को बहुत बहुत बधाई। मैं भी आपको बोलूंगा, हमारे मीडिया भाइयों को, हमारे जवान भाइयों को, हमारे किसान भाइयों को, हमारे डॉक्टरों को हम भी हाथ जोड़ के नमस्कार करते हैं। इस टाइम आप चार जने ही भगवान के रूप में काम कर रहे हैं, जो कुछ बातें पता भी लग पा रही हैं, तो मैं भी आपसे कहूंगा आप सब भी स्वस्थ रहें और बहुत अच्छा हमारा देश इस संकट की घड़ी से जल्दी निकले। इसी के साथ जय हिंद। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल M4U न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं, जिससे आपको सभी न्यूज प्राप्त हो सके। संपर्क सूत्र 8445657566।